यूपी में आंधी तूफान ने ली 19 लोगों की जान। उत्तराखंड के नैनीताल में भी बादल फटा, भारी बारिश से मची तबाही, घरों में घुसा मलबा। मायावती ने खाली किया सरकारी बंगला, अखिलेश यादव ने भी सरकारी आवास खाली कर किया दार्शनिक ट्वीट, लिखा चलते रहो। कैराना में लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली तबस्सुम हसन ने की फर्जी पोस्ट की शिकायत, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। हरदोई दौरे के दौरान सीएम योगी को खुश करने की कोशिश, कार्यक्रम स्थल के टॉयलेट में लगाई गई भगवा रंग की टाइल्स। और सट्टेबाजी की आदत बनी अरबाज खान और मलाइका के बीच तलाक की वजह, अरबाज खान ने कबूला 5 साल से लगा रहे थे सट्टा।